वेलकम टू द एग्जाम सेन यूट्यूब चैनल, सोच जीतने की है। आज हम लोग पार्टनरशिप बिजनेस का एक क्वेश्चन आप लोग के सामने लेकर गए हैं और वो क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से शॉर्ट में करने का प्रयास करेंगे और उसको देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन में कहा गया है कि ए और बी जो है वो एक पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करता है, एक बिजनेस स्टार्ट करता है एक साथ इन्वेस्टमेंट के साथ में, कि ए जो है 3200 रुपये इन्वेस्टमेंट करता है और बी 4000 रुपया। और फिर उसके बाद में ये डिसाइडेड किया गया था कि 50% प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट का 50% वो डिवाइड किया जाएगा बराबर इक्वली, यानी 50% जो होगा उसमें से दोनों को आधा आधा मिल जाएगा। बचा हुआ उसका मतलब 50% बचा, वो उसको उस प्रॉफिट को डिवाइड किया जाएगा कौन से रेशियो में, उसके इन्वेस्टमेंट के रेशियो में। इस तरीके से ए को जो है 160 रुपये कम मिलता है बी से, ए को जो प्रॉफिट होता है 160 रुपये कम मिलता है बी से। तो बताना है कि टोटल प्रॉफिट जो है वो कितना अर्न किया जाएगा। अब एक चीज़ यहाँ पर समझने की ज़रूरत है, देखिए अगर मान लेते हैं जैसे यहाँ पर टोटल प्रॉफिट है, हम टोटल उल्टा लेके चलते हैं कि अगर 1000 रुपया टोटल प्रॉफिट होता, ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से, तो क्या करता है इसका 50%, तो इसका अगर 50% निकालता है तो ये 500 रुपीज़ हो जाता है। इस 500 रुपीज़ को इक्वल बांट दिया था, ए को और बी को इक्वल बांट दिया था, यानी ये भी 250 लेता, ये भी 250 लेता। बचा हुआ पैसा को बचता कितना, बचा हुआ 50% होता, बचा हुआ को 500 रुपये मिलता, ठीक है। अब उसको बांटा गया, अब कितने बांटा गया ये नहीं मालूम, लेकिन इतना बोला गया है कि इसका जो है दोनों का रेशियो दे दिया गया 3200 और 4000, यानी उसका रेशियो इन्वेस्टमेंट का रेशियो से बांटा गया। तो इसका इन्वेस्टमेंट का रेशियो से अगर मान लेते हैं इन्वेस्टमेंट का रेशियो यहाँ पर 3:4 दिया गया, ठीक है। इस तरीके से टोटल जब मिलाया जाता है प्रॉफिट, यानी इस हिस्से इस 500 में अगर हम यहाँ पर अगर मान लेते 2:3 में देते हैं, ठीक है, अगर ए का रेशियो अगर हम लोग यहाँ पर 2 रखते हैं और बी का रेशियो 3 रखते हैं, तो इसका मतलब इसको कितना मिलता, इसको 200 मिल जाता और इसको 300 मिल जाता, ठीक है। तो देखिए डिफरेंस कितना आएगा, यहाँ पर हम लोग डिफरेंस देखेंगे तो कितना आएगा, वही 100 आएगा। अगर दोनों को जोड़ देते 2 और 2 450 रुपये ए को मिलता है और बी को 3 और 2 550, तो रेशियो का डिफरेंस कितना आएगा, 100 आएगा। तो ये दोनों में ही डिफरेंस जो है दोनों का 100 रुपये आ रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर दोनों को इक्वल मिल रहा है, तो दोनों को इक्वल मिल रहा है इसलिए दोनों का डिफरेंस यहाँ पर 100 आ रहा है। अगर यहाँ दोनों को अगर अलग अलग मिलता तो उसके बाद में ये जो दोनों को जोड़ते तो उसके बाद में ये जो डिफरेंस आता और यहाँ पर जो डिफरेंस आता वो अलग अलग होता, लेकिन यहाँ पर दोनों को सेम मिल रहा है और यहाँ पर वो लोग को अलग अलग मिल रहा है, इसलिए जो डिफरेंस यहाँ बनेगा ये दोनों को ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट को जोड़ने के बाद और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट को जोड़ने के बाद भी जो डिफरेंस आएगा वो भी सेम रहेगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन का सॉल्यूशन में, ठीक है। चलिए तो देखिए ए और बी का सबसे पहले हम लोग रेशियो अगर निकालते हैं तो कितना होता, तो देखिए 50% हम लोग यहाँ पर 50% हम लोग यहाँ पर निकाल लिए और दोनों को इक्वल मिल गया, यानी ए और बी को दोनों मिल गया, ठीक है। बचा हुआ 50% को, बचा हुआ 50% को हम लोग बांटना है, तो किसको बांटना है, ए और बी के रेशियो में बांटना है। तो ए का कितना है 3200 और बी का कितना है 4000, तो अगर हम लोग रेशियो निकालते हैं तो 2 0 2 0 यहाँ से कट जाता है, तो यहाँ अगर 8 से करते हैं तो 8 6 32 8 5 40, ठीक है। तो अब देखिए ये दोनों का रेशियो कितना, डिफरेंस कितना आया, 1:1 का डिफरेंस आया, ठीक है। अब 1:1 का है लेकिन रुपीज़ में अगर देखें तो कितना रुपीज़ है, 160 रुपीज़ में, तो 160 रुपीज़ लिख दिए। तो एक रेशियो का 160 रुपीज़, हमको टोटल प्रॉफिट निकालना है, तो टोटल प्रॉफिट यहाँ कितना, इसका 4 हिस्सा मिला है, इसका 5 हिस्सा मिला है, डिफरेंस देखिए 1 हिस्सा, ठीक है। एक हिस्सा का जो कितना रुपीज़ है 160, तो 9 हिस्सा का कितना हो जाएगा, तो 16 9 144, यानी 1440। तो ये जो 1440 आया है ये तो 50% का आया 1440, और उसके बाद जितना यहाँ पर 1440 आया है ये 50%, तो यहाँ पर 50% कितना 1440, तो इस हिसाब से इसका कितना आंसर आएगा 280, ठीक है। अगर शॉर्ट में निकाला जाए तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर बनाने के लिए एस टू बी लिखते और यहाँ पर 4:5 लिखते, तो एक का वैल्यू यहाँ पर आया था 1440, तो 18 का वैल्यू कितना आया था, क्योंकि ये हो गया 9, तो इसके मतलब ये जो टोटल हो गया 9, ये 50% 9, तो इससे मतलब इसे पहले वाले 50% 9, तो 9 9 18, तो 18 का वैल्यू, एक का वैल्यू हो गया 160, तो 18 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2880, तो मेरा ऑप्शन हो जाएगा 4, ठीक है। तो ये रहा इसका आंसर का, इस सॉल्यूशन क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 4 2880। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो का सॉल्यूशन अच्छा लगा तो उसको शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।